बादशाह और गीदड़। एक बादशाह सलामत ने रात को गीदड़ों की आवाज़ सुनी तो सुबह वजीरों से पूछा कि रात को ये गीदड़ बहुत शोर कर रहे थे, क्या वजह है? उस वक्त के वजीर अक्लमंद होते थे। उन्होंने कहा, जनाब, खाने पीने की चीज़ों की कमी होगी, इसलिए फरियाद कर रहे हैं। तो हाकिम वक्त ने आर्डर दिया कि उनका बंदोबस्त किया जाए। वजीर साहब ने कुछ माल घर भिजवा दिया और कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम किया। अगली रात को फिर वही आवाज़ें आईं तो सुबह बादशाह ने वजीर से फरमाया कि कल आपने सामान नहीं भिजवाया। तो वजीर ने फौरी जवाब दिया कि जी बादशाह सलामत, भिजवा दिया था। इस पर बादशाह ने फरमाया कि फिर शोर क्यों? तो वजीर ने कहा, जनाब, सर्दी की वजह से शोर कर रहे हैं। तो बादशाह ने आर्डर जारी किया कि बिस्तरों का इंतज़ाम किया जाए। सुबह फिर मौजें लग गई वजीर की। हस्ब आदत कुछ बिस्तरे घर बेच दिए और कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम किए। जब फिर रात आई तो बदस्तूर आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो बादशाह को गुस्सा आया और उसी वक्त वजीर को तलब किया कि क्या बिस्तरों का इंतज़ाम नहीं किया गया? तो वजीर ने कहा कि जनाब, वो सब कुछ हो गया है। तो बादशाह ने फरमाया कि फिर ये शोर क्यों है? तो वजीर ने अब बादशाह को मुतमईन करना ही था और उनको रिपोर्ट भी देनी थी, तो वो बाहर गया कि पता करके आता हूँ। जब वापस आए तो मुस्कुराहट लबों पर सजाए आदाब अर्ज किया कि बादशाह सलामत, ये शोर नहीं कर रहे, बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और रोज़ाना करते रहेंगे। बादशाह सलामत ये सुन के बहुत खुश हुआ और वजीर को इनाम से भी नवाजा। अब यही हाल हमारे मुल्क का भी है। मुलाजिमीन और आवाम महंगाई से परेशान है, मगर यह रिपोर्ट सब ओके दी जा रही है और कहती है कि आवाम बहुत खुश है, और इस तरह बादशाह सलामत भी खुश है।